अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं पीको लैस एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो जी आज हम ये वाला जो पैच है इस शर्ट के ऊपर लगाना सीखेंगे जी। ये बिल्कुल सादा शर्ट के ऊपर इसका गला बना लिया है जी, इसके ऊपर ये वाला पैच लगेगा जी आज। तो इंशाल्लाह जब हम इसके ऊपर पैच लगाएंगे तो ये पैच ऐसे ही लगेगा जैसे ये इस शर्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुआ है, अलग से नहीं लगा जी। तो ये पैच लगाने के लिए सबसे बेस्ट जो मशीन है जी वो फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन है, जिसको हम पफ का मॉडल 230 बोलते हैं जी, ये वाली है। और एक मशीन होती है जी जो इसको इंडियन भी बोलते हैं, देसी मशीन भी बोल देते हैं, गोडे वाली मशीन बोलते हैं जी, पक्की कढ़ाई वाली मशीन बोलते हैं इनको, 130 मॉडल होता है जी वो, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है जी। जो ऊपर वाली है वो 130 मॉडल है जी, जो कि इसको गोडे वाली कढ़ाई मशीन भी बोलते हैं, पक्की कढ़ाई वाली मशीन भी बोलते हैं जी। और नीचे का मॉडल जो है जी वो पम मशीन का बहुत ही बेस्ट जापानी मॉडल है जी, ये 230 वाला जी। तो ये फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए बहुत ही अच्छी मशीन है जी। तो आज इसी मशीन के साथ इस कमीज के ऊपर पैच लगाने वाला हूँ जी। तो ये अभी चलते हैं मशीन के पास और करते हैं काम शुरू जी। इस पैच को पहले मैं सेफ्टी पिन के साथ कच्चा कर लूँगा जी, फिर हम मशीन के ऊपर जो भी वर्क करेंगे आपको बताऊँगा और अपने उधर से देख के सीखना है जी कि मैं कैसे कर रहा हूँ जी। तो ये मशीन के पास जाने से पहले एक रिक्वेस्ट होती है जी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखें जी आगे हैं हम मशीन के पास और पीस के ऊपर शर्ट के ऊपर मैंने जो ये गले वाला पैच है इसको सेफ्टी पिन के साथ अटैच कर लिया है जी। तो अब मैंने इसके मशीन के अंदर ब्लू कलर का थ्रेड इस्तेमाल किया है, प्लास्टर की तार इस्तेमाल नहीं मैं करता क्योंकि जब वो इस्त्री होती है तो टूट जाती है। तो ब्लू कलर का थ्रेड इस्तेमाल कर रहा हूँ, एम्ब्रॉयडरी वाला धागा है जी ये। तो आपने जब भी इसको पहले हमने गोडा नहीं उठाना जी, बिल्कुल सिंगल टांके के साथ हम इसको कच्चा करेंगे जी। और जब भी आपने कच्चा करना है यहाँ से शुरू करना है इसको जी, इधर से शुरू करेंगे, नीचे को आएंगे जी, फिर इस तरफ को ऊपर को जाएंगे, इधर से फिर इस तरफ को जाएंगे, फिर इस तरफ को जाएंगे जी। और फिर बाद में टू पॉइंट के ऊपर हम इसको जो इसकी ज़िगज़ैग स्टिच है जो लगाएंगे टू पॉइंट के ऊपर, जिसको गोडा लगाना भी बोलते हैं। जैसे ही हम गोडा के साथ नीचे से इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं तो जैसे ये टू पॉइंट के ऊपर चला जाता है जी, ऐसे 3-4 जी। तो हम इसको टू पॉइंट के ऊपर इसको जो स्टिच की आउटलाइन लगाएंगे जी, और फिर काविया की मदद के साथ इसकी कटिंग कर देंगे जी, जो एक्स्ट्रा पैच बचा हुआ है नेट इसका।
तो देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम मुकम्मल हो गया है जी। गला लगा हुआ देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत ऐसे ही लग रहा है जैसे इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है जी। तो जी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।